नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। LIC IPO का इंतजार खत्म हो गया है। देश का सबसे बड़ा IPO 4 मई यानी आज से खुदरा निवेशकों के लिए खुल गया है। खुदरा निवेशकों के बीच IPO को लेकर बढ़िया रिस्पांस दिख रहा है। पहली बार कोई IPO शनिवार को भी खुला रहेगा। इससे निवेशक एक दिन ज्यादा यानी 5 दिन तक IPO में भाग ले सकेंगे। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। आम निवेशकों और संस्थागत खरीदारों यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए LIC का IPO 4 से 9 मई तक खुला रहेगा। LIC IPO को पहली कामयाबी सोमवार को मिली। IPO को एंकर इन्वेस्टर्स से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखे गए 5,620 करोड़ रुपए के शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो गए। 9 मई को यह IPO बंद हो जाएगा। LIC के शेयर IPO के बंद होने के एक हफ्ते बाद यानी 17 मई को शेयर बाजारों में लिस्ट हो जाएंगे। सरकार को IPO से 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। IPO के तहत सरकार कंपनी में अपने 22 करोड़ 13 लाख शेयर या 3.5% हिस्सेदारी कम कर रही है। इस तरह यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO होने वाला है। IPO के लिए मूल्य दायरा 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और 15 शेयरों का एक लॉट होगा। IPO में खुदरा निवेशकों के लिए 35% शेयर आवंटित किए गए हैं। IPO के तहत 15,80,000 शेयर LIC कर्मचारियों के लिए और 2,21,00,000 शेयर पॉलिसी धारकों के लिए रिजर्व है। पात्र संस्थागत खरीदारों यानी QIBs के लिए 9,88,00,000 से अधिक शेयर और गैर संस्थागत खरीदारों यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 2,96,00,000 से अधिक शेयर आरक्षित हैं। खुदरा निवेशकों और LIC कर्मचारियों को प्रति शेयर 45 रुपये की छूट मिलेगी, जबकि LIC के पॉलिसी धारक 60 रुपये प्रति शेयर की छूट पा सकेंगे। अगर आपने LIC की पॉलिसी ले रखी है तो आपको IPO में आरक्षण के साथ कीमत में छूट मिलेगी। पॉलिसी धारक होने की सूरत में आपको 15 शेयर का एक लॉट खरीदने के लिए 13,335 रुपए खर्च करने होंगे। कर्मचारी और आम निवेशक होने पर 45 रुपए की छूट मिलेगी और इस लिहाज से एक लॉट के लिए 13,560 रुपए देने होंगे। 1950 के दशक के अंत में स्थापित LIC देश की सबसे पुरानी बीमा कंपनी है। LIC का IPO भारतीय बाजार में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। इससे पहले 2021 में पेटीएम के IPO से 18,300 करोड़ रुपए और 2010 में कोल इंडिया के IPO से 15,200 करोड़ रुपए जमा किए गए थे।